राधे राधे दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में विजय एकादशी के बारे में बताने जा रही हूं। व्रत की विधि, कथा और पारणा का समय, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का नाम दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताएं यह भी है कि विजय एकादशी का व्रत करने से आपको कार्यों में सफलता मिलती है। आज हम साल 2023 में पड़ने वाली विजय एकादशी की तिथि, व्रत की विधि, कथा और पारणा के समय के बारे में जानेंगे। विजय एकादशी के दिन व्रती को जल्दी उठकर स्नान आदि करके निर्वृत हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर लें और फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में ही एक बेदी बनाकर उसमें 7 दान रखें। उस पर एक कलश की स्थापना कर लें। उसमें आम या अशोक के 7 पत्ते लगाएं। बेदी में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी आदि अर्पित करें। अब धूप व दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। इसी प्रकार शाम को भी भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय भजन व कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त व पारणा भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। विजय एकादशी गुरुवार 16 फरवरी 2023 को होगी तथा 17 फरवरी को पारणा रहेगा और पारणे का समय सुबह 8:01 से 9:13 तक सुबह रहेगा। दोस्तों, पारणा को हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए, इसका अत्यंत फल मिलता है। एकादशी प्रारंभ का समय 16 फरवरी 2023 को 5:32 से 17 फरवरी को 2:40 सुबह तक रहेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। राधे राधे।